नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में लॉकडाउन 4.0 लागू हो गया है, मतलब साफ है कि अब बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट करके जानकारी दी कि कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाना ही होगा। मुख्यमंत्री का ट्वीट क्या है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 4.0 में राहत क्या कुछ मिली है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रियायत क्या कुछ मिली है चौथे लॉकडाउन में जो 8 जून तक चलेगा। तो बता दें कि इस दरमियान सभी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कार्यालय हैं, वो बंद रहेंगे, लेकिन सरकारी कार्यालय 25% अटेंडेंस के साथ खोले जाएंगे, उनको खोलने की इजाज़त होगी। इससे पहले सिर्फ एसेंशियल सर्विस वाले जो कार्यालय हैं उन्हीं को खोलने की इजाज़त थी, लेकिन चौथे लॉकडाउन में ये रियायत मिली है कि जो सरकारी कार्यालय हैं वो 25% अटेंडेंस के साथ खोले जाएंगे। दूसरी बड़ी रियायत ये मिली है कि जो भी दुकान है उनको हम खोल सकेंगे, अल्टरनेट डे पर इन दुकानों को खोलना होगा और 2 बजे तक इन दुकानों को खोला जाएगा। फल, सब्जी, ग्रॉसरी की जो दुकानें हैं वो अब 2 बजे तक अल्टरनेट डे पर खोली जाएंगी। इसके अलावा अन्य दुकान जो हैं ज़रूरी काम के, जैसे कपड़ों की दुकान, ये सब भी खोले जाएंगे। सभी तरह की दुकानें अब अल्टरनेट डे पर खोले जाएंगे। इससे पहले सिर्फ जो ज़रूरी सामान की दुकानें थी, ग्रॉसरी की वगैरह की दुकानें थी, उनको ही खोलने की इजाज़त थी, लेकिन अब सभी दुकानें खोल दिए जाएंगे, अल्टरनेट डे पर ये दुकानें खुलेंगी। लेकिन इनके लिए भी नियम ये कहते हैं कि इस दरमियान जो दुकानदार है उनको अपने दुकान पर मास्क की व्यवस्था रखनी होगी। जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको मास्क पहनकर रहना होगा। साथ ही जो सैनिटाइजर है उसकी भी बॉटल उनको दुकान पर रखनी होगी। जो भी लोग दुकान पर आएंगे या जो काम करने वाले लोग हैं वो लगातार अपने हाथ को सैनिटाइज कर सके, इसलिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रखनी होगी। अगर इन नियमों का पालन कोई दुकानदार नहीं करते हैं तो स्थानीय प्रशासन को अधिकार होगा उनकी दुकान को बंद करने का। इसके अलावा जो कृषि संबंधित दुकानें हैं वो भी इस दरमियान खुली रहेगी। इससे पहले भी जो पिछला लॉकडाउन था 3.0 उसमें भी खाद बीज की दुकानों को खोलने की इजाज़त थी, उसी तरह चौथे लॉकडाउन में भी जो कृषि संबंधित दुकानें हैं वो भी खुले होंगे। तो ये कुछ रियायत है जो चौथे लॉकडाउन में बिहार वासियों को मिला है। और इस दरमियान मुख्यमंत्री ने साफ किया कि कोरोना के फिलहाल एक्टिव केस जो हैं वो 18,000 के पार हैं, और ऐसे में पूरी रियायत अगर दे दी जाती है तो एकदम से मामला बढ़ने की आशंका है। और ऐसे में सभी आशंकाओं को देखते हुए धीरे धीरे नियमों में ढील देने की कवायद जो है वो बिहार सरकार की है। और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, उसमें कुछ रियायत दी गई और बाकी लॉकडाउन जो है वो तीसरे लॉकडाउन की तरह ही बाकी नियम जो हैं इस चौथे लॉकडाउन में लागू रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ट्वीट क्या कुछ किया वो आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 सप्ताह अर्थात 8 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन 4.0 की जानकारी दी गई तो उस दरमियान ये भी कहा गया कि अगर किसी जिले में किसी जगह पर स्थिति क्रिटिकल है तो कुछ अतिरिक्त नियम लागू करने के लिए जिला के अधिकारी को छूट होगी, लेकिन वो किसी नियम में छूट नहीं दे सकते, ये उनको अलाउड नहीं होगा। तो लॉकडाउन किससे संबंधित अहम जानकारी आपको हमने दी। और आपको ये भी बताते हैं कि अगर 4 लॉकडाउन की अब तक की बात की जाए तो उसकी अवधि क्या कुछ रही। सबसे पहला लॉकडाउन 15 मई तक लागू था, उसके बाद इसकी अवधि बढ़ाकर 25 तक की गई, और फिर इस अवधि को बढ़ाकर 1 जून तक किया गया, और चौथे लॉकडाउन में ये अवधि बढ़कर 8 जून तक पहुंच चुकी है। बता दें कि अब तक सिर्फ 4 घंटे तक के लिए दुकानों को खोलने की इजाज़त थी, लेकिन अब इस नए नियम में दोपहर के 2 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी। ये अच्छी खबर है व्यापारियों के लिए। तो ये थी लॉकडाउन 4.0 संबंधित अहम जानकारी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।